अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ फ्राइज़। इसको बनाने के लिए मैं आलू, तीनों सॉस, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा तिक्का मसाला, चिकन और चीज़ चाहिए। ओरिगानो और थाइम भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम आलूओं को कॉर्नफ्लोर लगा के रख देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम तेल को गर्म होने के बाद जिस तरह हम नॉर्मली फ्राइज़ बनाते हैं वो बनाएंगे। जब तक ये फ्राई होगी दूसरी तरफ हम चिकन को तैयार कर लेंगे। पहले 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद बॉईल हुआ हुआ चिकन जो मैंने रेशे करके पहले ही रख लिया था उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चिली सॉस 2 से 3 चम्मच, थोड़ा सा सोया सॉस और इतना ही सिरका शामिल करेंगे। उसके बाद आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच तिक्का मसाला शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरे पास मस्टर्ड पाउडर मौजूद है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है वो डाल लें, नहीं तो अपनी मर्जी है। मैंने मस्टर्ड पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाला है। ये अपने टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप डाल लें, नहीं है तो नहीं डालें, लेकिन मुझे इसका टेस्ट पसंद था मैंने इसलिए डाला। इसको हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हम अपनी फ्राइज़ को देखेंगे। हमारी फ्राइज़ अब तैयार होने वाली हो गई हैं। इसको हम निकाल लेंगे। हमारा चिकन भी तैयार हो गया है। सबसे पहले हम एक स्टील की थाल में नीचे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें चिप्स शामिल करेंगे। ये मैंने तवे पे चीज़ को मेल्ट करना है, इसलिए अगर आपके पास ओवन है तो आप उसके अंदर इसको मेल्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं चीज़ की वो चिप्स की लेयर लगाऊंगी। और फिर चिकन की इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके चिकन, चीज़ और चिप्स तीनों चीज़ों को शामिल करेंगे। अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। अब मैं सारी चिप्स इसमें शामिल करने के बाद जो थोड़ा सा चिकन और चीज़ रह गई है वो इस पे शामिल करूँगी।
अब मैंने सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं, चीज़ भी, चिप्स भी और चिकन भी। अब मैं इसके अंदर ओरिगानो और थाइम थोड़ा थोड़ा डालूंगी। आधा ढक्कन ओरिगानो डाला है मैंने इसमें। और आधा ही ढक्कन थाइम डाला है इसमें। अब हमने तवे को पहले गरम कर लिया है, अब बिल्कुल हल्की आंच कर दी और इसको मैंने तवे पे रख दिया है बिल्कुल दम वाली आंच पे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, ढक करके हम इसको रखेंगे। अब आप ये देखें 10 से 15 मिनट बाद जब मैंने ये हटाई है तो मेरी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे।